नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार 18 अप्रैल को लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों और मंत्रियों के साथ हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये बातें कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 16 मई तक राज्य के सभी जिम, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यानी कि अब पाला तेजस्वी के हाथों में है, बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये फैसला 18 अप्रैल को लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में लगातार जिस तरीके से संक्रमण का रफ्तार बढ़ते जा रहा है, संक्रमण का कहर बढ़ते जा रहा है, लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, चिंता बढ़ गया है। विपक्ष भी चिंतित है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाया है राज्यपाल की अध्यक्षता में। कल बड़ी बैठक होगी। तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे, नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। साथ ही तेजस्वी यादव नाकामियां भी दिखा रहे हैं। सरकार ने कितने काम किए हैं इसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम दावों की पोल खोल देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आज जो बैठक थी, देखिए बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी चर्चे हुए हैं, लॉकडाउन पर भी चर्चे हुए हैं, लेकिन ये फैसला अब तेजस्वी के पाले में है। विपक्ष अगर कहता है, विपक्ष ऐसे भी मांग कर रहा है कि राज्य में बढ़ते संक्रमण पर रफ्तार को अगर रोक लगाना है तो लॉकडाउन लगाना होगा, और ऐसे में तैयारियां भी करनी होगी लॉकडाउन से पूर्व। और सीएम नीतीश कुमार ने ये पाला छोड़ दिया है तेजस्वी यादव के हाथों में। कल तेजस्वी सर्वदलीय बैठक में अपनी राय रखेंगे, अपनी सुझाव रखेंगे, और लॉकडाउन पर भी चर्चे होंगे राज्यपाल की अध्यक्षता में, और फैसले लिए जाएंगे लॉकडाउन पर। यानी कि सीधे तौर पे तेजस्वी यादव की बातें भी अब सुनेंगे सीएम नीतीश कुमार कल सर्वदलीय बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जरा सबसे पहले आपको सुनिए। तो उस विषय में जो सारी बातें अब तक की गई है उसके बारे में सब लोगों की जानकारी देना और सब लोगों की बात सुनना, और उसके बाद जो भी उपयोगी होगा उसके बारे में निर्णय लेना। तो इसके लिए फिर कल तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया है बताना, और जो भी परिस्थिति आ जाएगी फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परसों भी सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के, और परसों भी और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तो जितनी जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है उन सब चीज़ों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को दी जाएगी और सब लोगों का विचार सुना जाएगा, और उस समय जो एक बात सामने आएगी उसको ध्यान में रख करके उसके अगले दिन भी उसके बारे में और कुछ जो करना जरूरी है उस पर निर्णय लेंगे। लॉकडाउन जैसी भी कोई बात है क्या सर? आज के नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई बात सामने आई है विभाग ने? आप तो जानते ही ना कि पर डे बढ़ रहा है। आज भी जो अब तक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कल से बढ़ा है। वो तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ की बात है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं कल भी, एक्चुअली उसके बारे में वहाँ पर कहेंगे ज़्यादा बेहतर है, और आप लोगों के बीच में भी ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें बताई जाएंगी प्रतिदिन। तो उन सब चीज़ों के लिए जो कल चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद कोई और बेहतर निर्णय लेंगे। वो सब कल सुनने के बाद ही परसों ये सब चीज़ों पर बातचीत होगी। तो हम पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की एक कमी की बात आ रही है, उसके लिए भी पूरी बातचीत हो चुकी है। वो सब जानकारी कल भी दी जाएगी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी सब बातों की जानकारी दी जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 18 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा। कल सर्वदलीय बैठक है राज्यपाल की अध्यक्षता में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, अपनी सुझाव देंगे, अपनी बात रखेंगे, और तेजस्वी अगर कहते हैं कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए तो नीतीश कुमार उनकी बातों को पूरा करेंगे। बिहार में जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, स्थिति भयावह होते जा रही है, संक्रमण पर ब्रेक लगाना जरूरी है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात लॉकडाउन लगानी पड़ेगी, और ये फैसला सीएम नीतीश 18 अप्रैल को लेंगे। आपको बता दें कि 18 अप्रैल तक राज्य की सभी स्कूलें भी बंद है, स्कूल कॉलेजों में ताले लटके हैं, उस पर भी फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्सटेंशन किया जाएगा, क्या आगे बढ़ाया जाएगा, क्या छुट्टी और बढ़ेगी, क्योंकि संक्रमण का रफ्तार जिस कदर बढ़ रहा है, खतरा और बहुत ही बढ़ गया है। ऐसे में देखना भी होगा। कल तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक में अपनी बातें रखते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।